डिमोटिवेट होकर क्या तुम्हारा अगला टेस्ट अच्छा हो जाएगा? फिर कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ तुम्हारे साथ साथ। अगर इस डिमोटिवेशन से, इस डलनेस से तुम्हें कुछ मिल रहा है अच्छा, लेट मी ऑल्सो। गलतियां करना तो अपना बेसिक नेचर है, भगवान ने अपन को इंसान बनाया है, भगवान थोड़े ना अपन। जो तुम्हारी कंडक्टिंग बॉडी है एंटी है, उससे गलतियां नहीं होती, उसी से गलतियां हो जाती। इट इज ओके, बट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। अगर तुम बार बार एक ही मिस्टेक टेस्ट में कर रहे हो, देन यू आर गोइंग रॉन्ग, फिर आप गलत जा रहे हो। और हर बार नई मिस्टेक कर रहे हो तो थोड़े से केयरलेस हो रहे हो, इसका मतलब समझो तो सही प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझोगे तो जैसे ही तुम अपनी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली समझ लोगे ना, तुम्हें सोल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मैं हर बार एक नई गलती कर रही हूँ टेस्ट में, इसका मतलब मैं केयरलेस हो रही। अगर मैं वही गलती जो पिछले टेस्ट में करी थी वो हर बार कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीख ही नहीं रही। तो प्रॉब्लम को समझो अपने आप, उसका सोल्यूशन तुम्हें बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि इसका ये सोल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। ये कोई मैं पढ़ी हुई कोई बात या तो मैं सिर्फ शब्द नहीं बोल रही, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही। देयर इज नो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ना हो।